हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टॉपिक हम लोग कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जस्ट स्टार्ट किया हमने और फर्स्ट टॉपिक हम उसमें कर चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग सम एग्जांपल्स ऑफ न्यू रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ दैट ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड ही सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड बैलेंस इन फेवर ऑफ बी। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। स्टूडेंट हमने जो प्रीवियस वीडियो में न्यू रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट केसेस डिस्कस किए, ये वाला क्वेश्चन उनसे थोड़ा डिफरेंट या कहें कि उन सब केसेस का एक मिक्सचर है। तो देखें किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे। यहाँ पर जो ओल्ड रेशियो ए बी सी एंड 3:2:1। सी रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म एंड सी सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड बी। यहां पर हम लोग बोले कि ए एंड बी गेन्स रिमेनिंग पार्टनर गेन्स और हम लोग बोले कि रिटायरिंग पार्टनर सरेंडर्स, दोनों का मीनिंग सेम ही है कि यहां पर इसका जो शेयर है ये ए और बी के फेवर में सरेंडर कर रहा है या ए और बी गेन कर रहे हैं। अब यहां पर सी ने जो सरेंडर किया है इन द फेवर ऑफ ए, हाउ मच? 1/3, नॉट 1/3 बट 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर मींस 1/3 ऑफ इसका जो शेयर है 1/6, ठीक है ना। तो ए ने गेन किया या सी ने सरेंडर किया इन फेवर ऑफ ए 1/3 ऑफ 1/6। देन बी ने कितना गेन किया या सी ने बी के फेवर में कितना सेक्रीफाइस किया, सरेंडर किया, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर पहले ए गेन्स और सी सेक्रीफाइस और सरेंडर, सी सरेंडर इन फेवर ऑफ ए, हाउ मच? 1/3 ऑफ 1/6, 1/3 ऑफ हिज शेयर, सो 1/18। अब बी गेन्स और सी सरेंडर्स इन फेवर ऑफ बी, हाउ मच? यहां पर सी का जो शेयर है वो अपने आप में एक सिंगल यूनिट है 1, तो जब 1/3 उसने सेक्रीफाइस कर दिया है इन फेवर ऑफ ए तो उसके पास कितना बचा? 2/3, ठीक है। तो हम लोग दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2/3 ऑफ 1/6, ठीक है, या इसी चीज को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सी का जो शेयर है वो 1/6 है ना। अब 1/6 में से 1/18 तो उसने सेक्रीफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ ए, तो 1/18 आप माइनस कर दीजिएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर एलसीएम 18 डिवाइड बाई 6, 3 माइनस 1, सो 2/18, या यहाँ पर देख लीजिएगा 2/18। तो किसी भी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो कितना आ गया, गेनिंग रेशियो जो हमने कैलकुलेट किया ए एंड इज टू बी 1:2, 1/18 एंड 2/18, सो 1:2। देन न्यू रेशियो, अब न्यू रेशियो के लिए जो फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो
प्लस गेनिंग। अब गेनिंग रेशियो तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, तो ए का न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो 3/6 प्लस बी का 2/6 प्लस ए ने कितना गेन किया है 1/18, बी ने कितना गेन किया है 2/18। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि आप टोटल करके देख लें सेक्रीफाइसिंग रेशियो का शेयर का, अगर वो इक्वल टू 1 आए तो आपको दो स्टेप लेने, और अगर इक्वल टू 1 नहीं आए बल्कि रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के इक्वल आए तो डायरेक्ट आपको सिंगल स्टेप में उसको ऐड करके कैलकुलेट कर देना है। इन दोनों का अगर आप टोटल करके देखेंगे तो टोटल कितना आ रहा है 1/6, 1 नहीं आया है, तो अब डायरेक्ट ऐड किया और हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर दिया। एलसीएम 18, 18 डिवाइड बाई 6 3, 9 प्लस 1 10/18, 18 डिवाइड बाई 6 3, 3 इंटू 2 6 प्लस, सॉरी हम कहीं गलती कर रहे हैं, एलसीएम 18 आया 18 डिवाइड बाई 6 3, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 यस ठीक है ये, देन 18 डिवाइड बाई 6 3, 3 इंटू 2 6, यहाँ पे 2 आया, देन 8 प्लस 8 अपॉन 18, तो यहाँ पर न्यू रेशियो 10:8 और 5:4 बाय दिस। ओके स्टूडेंट, गेनिंग रेशियो, एक गेनिंग रेशियो का एग्जांपल करके बता रहा हूँ, लेट अस सी। गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर न्यू और ओल्ड दोनों गिवेन हो तो हमारा इस तरह से इस इक्वेशन को यूज कर हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। बट मान लीजिएगा क्वेश्चन में न्यू रेशियो है ही नहीं, तो फिर क्या कर रहे होंगे, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया ए बी एंड सी आ पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:4:3, ओके 5:4:3 या 5/12, 4/12, 3/12। सी रिटायर्स, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, सी रिटायर हो गया, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे न्यू रेशियो तो नहीं है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फर्स्ट केस में क्या, बिकॉज न्यू रेशियो भी नहीं है गेनिंग रेशियो भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर रहे होंगे कि पार्टनर का, रिमेनिंग पार्टनर का म्यूचुअली ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। तो यहाँ पर ए बी सी ओल्ड रेशियो 5/12, 4/12, 3/12, सी रिटायर हो गया, ए बी के बीच में रेशियो क्या है 5:4, अब इनका न्यू रेशियो भी यही है और गेनिंग रेशियो भी यही है। रेशियो की अगर बात करें तो 5:4, 5/9, 4/9 ये न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो भी यही है 5/9, 4/9। ओके तो इस तरह से जब न्यू और गेनिंग नहीं हो तो ओल्ड रेशियो ही न्यू, ओल्ड रेशियो ही गेनिंग। बट अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवेन हो तो फिर आप गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, ओके और 4/9, 3/9, 2/9, गॉट इट। सी रिटायर्स फ्रॉम
from the form and A and B decides to share profits in the ratio which was between C is retired, which was between B and C. Okay, and calculate gaining ratio calculate करना. कैसे करेंगे? यहां पर ओल्ड रेशियो ए बी सी, ओल्ड रेशियो क्या हुआ? गिवन है 4/9, 3/9, 2/9. ओके, सी रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म एंड ए एंड बी, सी रिटायर्स फ्रॉम द फॉर्म एंड ए एंड बी डिसाइड to share profits in the ratio which was between B and C. B और C का जो ratio था उस ratio में A और C decide किया है कि वो future में profits को share करेंगे. तो B और C के बीच में जो ratio था 3:2, तो यहाँ पर new ratio क्या हुआ? 3:2 means 3/5 and 2/5. Now calculate gaining ratio because old ratio, new ratio. So A gains 3/5 minus 4/9. B gains 2/5 minus 3/9. And LCM 45, then 9, 27 minus 20, 7/45. And here LCM same 45. 9 into 2, 18 minus 5 into 3, 15. So 3/45. So 7:3 is the gaining ratio. Okay? So students, हमने कुछ examples किए new ratio और gaining ratio के. Simple topic है, बहुत lengthy या बहुत मुश्किल hard topic नहीं है, but फिर भी कुछ questions में हल्के फुल्के twist आपको मिल सकते हैं. आप notice करेंगे और कोशिश करेंगे ठीक से सोल्व करें. ओके, थैंक यू.